ये देखिए तो एक पैकेट मैंने यहाँ से बाई कर लिया है ये तो इसे मैं अब ट्राई करने वाला हूँ। तो ये रहा है कि एक स्ट्रॉबेरी खतरनाक राइट नाउ अब मैं आ गया हूँ स्ट्रॉबेरी फार्म में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रहा स्ट्रॉबेरी फार्म काजीरंगा नर्सरी एंड स्ट्रॉबेरी फार्म। सो यहाँ पे एक बेसिकली एक नर्सरी है और शायद उसके पीछे स्ट्रॉबेरी फार्म भी है। सो स्ट्रॉबेरी मुझे देखना है बेसिकली स्ट्रॉबेरी ग्रो कैसे होता है, स्ट्रॉबेरी फार्म भी मुझे देखना है। सो जाके देख ये पूरा ना स्ट्रॉबेरी का ही फार्म है, देख सकते हैं ये पूरा जो पौधा आपको दिख रहा है ये पूरा स्ट्रॉबेरी है। छोटे स्ट्रॉबेरीज हैं, मझले स्ट्रॉबेरीज हैं, उससे जो बड़े वाले वो स्ट्रॉबेरीज हैं। और भैया जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी प्लग भी कर रहे हैं। ये देखिए एक बॉक्स तो मैं लेने वाला हूँ, ट्राई करता हूँ। तो एक पैकेट मैंने यहाँ से बाई कर लिया है, एक ताजा ले लीजिए ऊपर से सस्ता ले लीजिए। सो ये एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरी, एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरी है। सो इसे मैं अब ट्राई करने वाला हूँ, करूँ? ओके पहली बार देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी कैसी है। जी मेरा दोस्त ने लिया है, खट्टा है भाई, हमको भी खाने दे। थोड़ा खट्टा है बस, ठीक से नहीं पका है ना, ठीक से नहीं पका है। हाँ जूसी है, जूसी है, सही है भाई। ये क्या भैया ऑर्गेनिक है क्या? ऑर्गेनिक है पक्का। इसके पहले ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बस एक ही चीज मैंने ट्राई करी थी, मतलब वो जो टॉफी होता है ना, वो आप गलत समझ रहे, वो टॉफी होता है वो ट्राई करी थी। देख भाई कैसा लग रहा है, कैसे खा रही, धोखे नहीं सी मार दे, ऑफ हो गया ना क्या? ऑफ नहीं हुआ, ऐसे मार दे, पकड़ दिया, हो गया ऐसे मार दूं, देखो ऐसे खा ले और क्या। सो थोड़ा सा मैं अंदर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मेरा एक और कैमरा किसके पास है? अच्छा ठीक है। सो ये रहा है कि एक स्ट्रॉबेरी, इसे मैं प्लग करता हूँ। ये स्ट्रॉबेरी का फ्लावर है और ये स्ट्रॉबेरी का पौधा है। ऐसे करके आप देख सकते हैं ढेर सारे यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज है। ये आप देख सकते हो, सो ऐसे करके ये पूरा ना स्ट्रॉबेरी का ही फार्म है और टेस्ट भी काफी अच्छा है। एक तो मैंने तोड़ा है, ये एक और है, तो इसे धोना चाहिए क्या? ये बिल्कुल ना ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसके ऊपर थोड़ा हेयर टाइप में और इसके ऊपर इसका आई थिंक इसका जो सीड होता है ना वो ऊपर ही होता है। सो एक और मैं ट्राई करता हूँ। खतरनाक और स्ट्रॉबेरी फॉर्म के उस तरफ ना ये एक बेर का पेड़ है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बेर है। ये दिखने में एप्पल की तरह लग रहा है बट ये बेर है, ऐसा बेर मैंने भी नहीं देखा अभी तक। ये बेर एक्चुअली रेड है और रेड बेर तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। ये आप देख सकते हो ये रेड बेर है, बिल्कुल एप्पल की तरह लग रहा है। पूरा लाल है, देखो देखो। सो ये लाल वाला जो पेड़ है इसे मैं ट्राई करता हूँ। गुड, और ये देख सकते हैं, ओ भाई साहब ये तो पूरा लदा हुआ है यार, ये देख सकते हैं ये बेर पूरा लदा हुआ है।
इतना सारा बेर, ओ भाई ये देख सकते हैं, ये देखो भाई कितने सारे बेर। बैच स्ट्रॉबेरी का तैयार होने में कितना टाइम लगता है? 2 महीना। 2 महीना में? इसका सीजन क्या है, किस सीजन में होता है? सीजन का आपको अक्टूबर से लेके मई तक। अक्टूबर से लेके मई तक। हाँ। इसके लिए क्या थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए वेदर? ठंडा मौसम, ठंडा होना। इसे जैसे कोलकाता में ग्रो कर सकते हैं? कर सकते हैं, आपको सीजन में कर सकते हैं। सीजन में मतलब अक्टूबर से? अक्टूबर से लेके आपको मतलब जब तक मतलब बारिश नहीं गिरेगा तब तक मतलब वो निकलते रहेगा। बारिश होने के बाद अपने आप से मतलब फ्रूट मतलब बर्न हो जाएगा। ये होते रहता है, होते रहता है। ओके, पर केजी कितना का बिकता है ये? पर केजी अभी हम लोग स्टार्टिंग मतलब 600 था, अभी थोड़ा मतलब कम कर दिया हुआ। ओके, पर केजी 600 का होता है ये। आई थिंक तोलू, 3 2 1। तो स्ट्रॉबेरी का फार्म तो मैंने विजिट कर लिया, अब मैं जाता हूँ अगली तरफ। हम लोगों ने जो फार्म में खाया था वो थोड़ा सा येलोविश था, थोड़ा कच्चा था, थोड़ा रॉ था, थोड़ा ग्रीन था, मतलब थोड़ा सा कच्चा था। और ये जो है ना ये पूरा है चेरी रेड, चेरी रेड है, मतलब ये बिल्कुल पूरा पक चुका है। और इसे खोज के निकाला है पीछे वाले भाई साहब ने। इसका टेस्ट अलग है, ये भी ऐसा हो जाएगा मेरे भाई। खतरनाक है, खतरनाक है। सो ये है आसाम की लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड सुवीनियर शॉप कह सकते हैं। यहाँ से जब आप काजीरंगा आइएगा तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं यहाँ के सुवीनियर्स, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, ताकि पता चल जाए आप कहाँ घूमने आए। ये कितने का भाई? अच्छा ये कितने का? एक ही तो है, 140 का ही तो है उसमें, एक ही साइज तो वो लास्ट वाला, वो 220 रेंज का। दिखाइए इसको, इसमें क्या अंतर है? ऐसा बड़ा है तो अभी हम अंकल जी को मना रहे हैं ये लेने के लिए, मना रहे अभी ले नहीं रहे, अंकल जी को मना रहे। अंकल जी जल्दी जल्दी मान जाइए और ये हमें दे दीजिए। कौन कौन सा है ये लास्ट वो लाला, ये वाला दो दीजिए। 3 पीस है मेरे पास। प्राइस क्या है मैं बताता हूँ, ये 3 पीस है। बोलिए कौन कौन सा लेना है? मैं ये लूंगा। ये कितना का है? 1600। एक अच्छा ये सेम ऐसे नहीं है? दो ना, एक दो तीन पीस है मेरे पास, इनमें से आप चुन लीजिए। हेलो, इसका सीन बड़ा है फिर तो भाई, धोखाधड़ी हो गया ऐसे। सो फाइनली ये वाली मैंने ले ली है। तो झोला भर भर के हम लोगों ने सामान खरीद लिया। ये देखो भाई आसाम जिसके लिए फेमस है। लेट्स गो ब्रो। मैन इन ब्लैक 1.5 साथ। सो भाई ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, बट ये आप सीन देख सकते हो। ओ भाई साहब ये फ्रेंडली हो रहा है। एक्चुअली ये फ्रेंडली होना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं कहीं भी जाता हूँ तो वो भौं 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 शुरू कर देते हैं तो मुझे डर लग जाता है, बट अभी ये फ्रेंडली है। सो ओ बेटा सो मार्केट से मार्केटिंग आने के बाद हम निकले रिसोर्ट के बाहर थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए, और वॉकिंग में हमें मिल गया ये डॉग्स। सो एक्चुअली मुझे पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, बस रिसोर्ट के इधर उधर भटके जा रहे हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है ये टी गार्डन, मतलब टी का जो सीज़न है ना वो ख़त्म हो गया, इसलिए सारा मतलब पत्ता जो है ना वो लाइक कट ऑफ हो गया है। ये कुत्ते काफ़ी फ्रेंडली हो गए हैं जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि मैं कुत्तों से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहता हूँ। और पीछे मिल गया था ये, जैसा कि आप देख सकते हैं टी गार्डन, जो कोई टी है नहीं। समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं, बट जहाँ भी जा रहे हैं मज़ा आ रहा है। और मैं एक्चुअली कहूँ, ऑनेस्टली कहूँ, लिटरली कहूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया, चंदन तेरा जूता गिरा है? वो मैं नहीं पहनूँ भाई, वो छोड़ दिया। एक पाँव का है वो, एक पाँव का नहीं मैं पहनूँगा। सो लिटरली मैं कहूँ, मुझे साइट सीइंग करना पसंद नहीं है, मतलब टूरिस्ट प्लेसेस पे जाना मुझे पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादा पसंद है लोकल प्लेसेस पे जाना, लोकल लोगों से मिलना, लोकल खाना खाना। और मैं जिस प्लेस पे आया हूँ ना,
मैं जिस प्लेस पे आया हूँ ना, ये अ काइंड ऑफ जंगल है, देख सकते हैं अ काइंड ऑफ जंगल है। और ये जंगल दादा, ये रबर ट्री रबड़ इससे बनता है। हाँ, रबड़ इससे बनता है। ओके, देख सकता हूँ। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना, ये मार्क देख रहे हैं आप, ये काट कर एक्चुअली इससे रबड़ निकलता है। ऐसा गिरता है, ये लगा करके काट कर के ऐसे चलाता है। ओके, यहाँ में भरता है बस। बेसिकली मेरे पीछे जितना सारा ट्रीज देख रहे हैं आप, ये सारा रबड़ का ट्री है। यहाँ पे रबड़ प्रोड्यूस होता है, भरा भी हुआ है। ओके यार, कंटेंट पे कंटेंट मिल जा रहे हैं। मुझे लगा कंटेंट नहीं मिलेगा, ये तो कंटेंट मिला जा रहा है। ओहो, देख भरा हुआ रबड़। बेसिकली यहाँ पे एक रबड़ का ट्री है और थोड़ा सा उसमें रबड़ गोंद भी भरा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ। ओ भाई साहब, सो ये जो बॉटल देख रहे हैं ना, इसमें जो लिक्विड है वो एक्चुअली रबड़ है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे सारा इसके स्टेम को क्या करते हैं ना, वो कट कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे इंसान के वीन को कट करने से क्या ब्लड निकलता है ना, वैसे ये इनके स्टेम को डैमेज कर देते हैं और जाइलम से जो फ्लूइड निकलता है वही एक्चुअली गोंद होता है। मैं अगर गलत नहीं होता हूँ, इन्होंने एक देखिए कैनल टाइप का बना दिया, यहाँ से कैनल निकला हुआ है। ये निकल कर यहाँ पे एक देखिए, यहाँ से बेसिकली गोंद इसमें जा रहा है और ये गोंद है। सो मैं थोड़ा टच करके आपको बताता हूँ ये गोंद है कैसा, मतलब चिपचिपा, ऑब्वियसली चिपचिपा होगा, बट मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं ये रबर का ट्री देखा है, नहीं ये प्रोडक्शन देखा है, नहीं ये प्रोसीजर देखा है। सॉलिड माल तो नीचे है। नहीं नहीं, वो पूरा टोटली सॉलिड माल है, चिपचिपा है। MRF टायर इसी से बनता है क्या? हाँ ऑब्वियसली इसी से बनता होगा MRF टायर। सो ये जो पूरा आप जंगल देख रहे हो ना, ये पूरा ही रबड़ का ट्रीज है, पूरा रबड़ निकल रहा है ना, पूरा रबड़ जैसा है, रबड़ जैसा ही है। ओहो हो भाई साहब, एक मिनट देखूं मैं। फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, सो ये है रबड़। मुझे मत मार, मैं कैमरामैन हूं। ओ तेरा हाथ वाला बिस्किट देख लिया, नहीं हिल रहा वहां से वो। सो आई डोंट नो मैं कहां आ गया हूं, जहां भी आ गया हूं बट अच्छा लग रहा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। वीडियो में जो था इतना ही था, व्लॉग को अब मैं ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ और मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। शाम भी होने वाली है, वीडियो भी मैं खत्म करता हूँ, मिलते हैं एक नए से व्लॉग में। अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है भाई लोग, क्या करना है थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके।